हेलो, वेलकम टू लतास कुक बुक। आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडिया में मशहूर एक स्वीट है, सेवन कप केक। ये ट्रेडिशनल स्वीट है, इसे हमने जरा सा थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है, इसमें एक कप और मिलाया है, तो इसीलिए इसका नाम मैंने रख दिया सेवन प्लस वन कप केक। तो इसमें हमने जो मिलाया है वो काजू और बादाम का जो है पाउडर मिलाया है। तो ये स्वीट जो है बहुत ही टेस्टी है और बहुत यम्मी है, जल्दी बनता है, ये खराब नहीं होता है। सबके हाथों से बिगिनर्स भी बनाएं तो अच्छा ही आएगा। तो आप लोग भी इस होली में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका आनंद लीजिएगा और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आप सबको ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवन कप केक, जो कि साउथ में बहुत मशहूर केक है, बर्फी है। इसमें यूजुअली सात सामान लगते हैं, यहाँ पे मैंने एक आज उसमें जोड़ा है ताकि एक्स्ट्रा फ्लेवर रहे, खुशबू रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कप बेसन लिया है, एक कप काजू और आलमंड बादाम इसका पाउडर मैंने बना लिया है, एक कप नारियल है, एक कप घी है, एक कप दूध है। अगर आप दूध के बदले अगर खोआ मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, या एक कप दूध का पाउडर भी मिला सकते हैं। और तीन कप चीनी लिया हुआ है, यही मेजरमेंट है, सब यही कटोरी से हमने मेजर किया हुआ है। सबसे पहले इस पैन में मैंने थोड़ा सा घी यहाँ पे दे दिया है, जो मेजर करके हमने रखा था उसी से हमने लिया हुआ है। ये जो बेसन है उसको भून लेते हैं हल्का सा। ये बहुत जल्दी बनता है और बिल्कुल भी अच्छा बनता है। ये हमारा अच्छा भून चुका है, बहुत ज्यादा भी रोस्ट करने का जरूरत नहीं है, जरा दो मिनट इसे घी में चला लेंगे। अब इसी में हम सारी चीजों को मिला देंगे, जैसे ये हुआ नारियल, ये हुआ हमारा काजू बादाम का जो पाउडर करके रखा है वो, बीच बीच में चलाते भी रहिएगा, और ये जो एक कप दूध, और ये जो है चीनी, इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके घी देते हुए इसे चलाएंगे। अब देखिए ये चीनी जो है मेल्ट हो गई है, अब ये जो घी है बीच बीच में हम मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे फिर चलाएंगे, और जब तक कि इसका वो ये किनारा ये छूटने ना लगे तब तक इसको हम लोग ऐसे ही चलाते रहना है। जल्दी बन जाता है 15-20 मिनट के अंदर, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखना है, हाई में बिल्कुल नहीं रखना है। चाहे कोई भी स्वीट हो, हम लोग लो टू मीडियम में ही पकाना है। अभी काफ़ी ये हो चुका है, गट हो चुका है, थोड़ा सा हमने घी यहाँ पे बच गया है उसे डाल लेंगे पूरी तरह से। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने इलायची का पाउडर है वो रखा है, हमने काजू यहाँ अलग से नहीं दिया है क्योंकि काजू हमने पाउडर करके डाला हुआ है, काजू और बादाम, और उसे दरदरा ही पीसा था हमने, और बादाम तो छिलके के साथ पीस के डाल दिया ऐसे ही पाउडर करके, तो वो मतलब अच्छा रहेगा, एक नटी फ्लेवर भी देगा और खाते समय भी अच्छा लगेगा। तो ये जो ट्रेडिशनल स्वीट है ये बनता है सात कप, इसका नाम ही सेवन कप है। यहाँ पे हमने एक कप जोड़ दिया है काजू बादाम वो जो पाउडर डालकर। अब ये जो है हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, देखिए ये अभी इसमें लग नहीं रहा है, और यहाँ पे हमने एक थाली में थोड़ा सा घी लगा के रख लिया है, ग्रीस्ड थाली, आप लोग भी ऐसे प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। अब ये ऑलमोस्ट हो गया है, देखिए ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। अब हमारा ये बन चुका है, तो इसे हम थाली में जमाने के लिए रख देंगे। अब देखिए ऐसा फेन जैसा इसे उठ के आना है, तो इसका मतलब है कि तैयार है, अब निकालते हैं।
अब इसे ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जरा सा ये सेट हो जाए तब इसे बर्फी के आकार में हम मनचाहे आकार में काटेंगे। ठीक है, अब हम इसे बर्फी के आकार में कट करते हैं, क्योंकि सेट हो चुका है ये। आप अपने मनपसंद इसका आकार दे सकते हैं, या तो डायमंड शेप या तो स्क्वायर शेप। मैं यहाँ स्क्वायर शेप दे रही हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है मेरा। बहुत ही इजी स्वीट है ये, ट्रेडिशनल स्वीट है, बहुत आराम से बन जाता है इसमें, ये कभी ये नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है, अच्छा से ही बनता है। चाहे बिगिनर्स भी बनाए तो एकदम अच्छा से बनेगा। इस बार होली में आप लोग ये स्वीट ज़रूर बनाइए, और आप भी खाइए, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी होली खेलने आते हैं आपके पास, तो उन लोगों को भी ये खिलाइए, इसका आनंद लीजिएगा। बहुत ही इजी बनेगा, 15-20 मिनट के अंदर बन जाने का है। देखिए बहुत जल्दी भी सेट हो गया है ये, 15 मिनट के अंदर आराम से बन गया है। आप लोग ज़रूर बनाइए, ये जो 7 कप बर्फी है, या तो यूँ कहें तो 8 कप बर्फी आप लोग इस बार होली में बनाइए। आप सबको होली की शुभकामनाएं। तो ये रहा 8 कप बर्फी, आप लोग किसी भी दिन त्योहार फेस्टिव डेज में आप लोग बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग।